ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले प्यारे से गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुँच सके। अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग ना बहुत बहुत ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग मुझे लगता है कि गुरु जी की कुछ बहुत ही प्यारी और ब्लेस्ड बिटियाँ हैं जिनके लिए गुरु जी ने ना ये सत्संग अपलोड करवाया है, जिन तक ये सत्संग पहुंचना है। मैक्सिमम सत्संग को शेयर कीजिएगा संगत जी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलनी है संगत को, गुरु जी की बेटियों को। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किए गुरु जी की बहुत ब्लेस्ड बेटियाँ हैं, नोएडा से सारिका आंटी जी ने, हाँ जी नोएडा से सारिका आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी गुरु महाराज जी। संगत जी, आज मैं ये अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और शेयर भी ऐसे कर रही हूँ कि बस ब्रेकफास्ट करते करते मुझे अचानक से एक थॉट आता है कि मैं सत्संग अपना शेयर कर सकती हूँ, मुझे करना चाहिए, क्योंकि दिनों अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है। और शुरू से मेरे मन में भाव आता था एक ना एक दिन तो गुरु जी मुझे भी बोलेंगे सत्संग शेयर करने के लिए। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे गुरुजी ने बोला है कि सत्संग शेयर करो, और अगर मुझे करना भी पड़ा तो मैं कैसे शेयर करूँगी, क्या शेयर करूँगी? मुझे तो आप होता है ना संगत जी कि आप डे टू डे लाइफ में इतना बिजी रहते हो, आपके पास इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है, कुछ दिनों के लिए आप उस चीज़ को आप बहुत स्ट्रांगली माइंड में रखते हो कि हाँ मुझे ये ब्लेसिंग मिली थी, बट आप विद टाइम उस चीज़ को मतलब आप याद करोगे तो याद आता है, लेकिन वैसे एक उंगलियों पे जैसे गिनते हैं ना, अच्छा एक मोमेंट ये था, अच्छा एक मोमेंट ये था, ऐसा एकदम से याद नहीं रहता है। तो मैं हमेशा से यही सोचती थी कि अगर सत्संग शेयर करना पड़ा तो मैं क्या शेयर करूँगी, मेरे पास इतने बड़े सत्संग है या नहीं। बट फिर अब मैं सोच रही हूँ कि गुरु जी की से जब से मैं जुड़ी हूँ हर मोमेंट सत्संग है, हर दिन एक ब्लेसिंग के रूप में गुरुजी हमें देते हैं। इतना अच्छा परिवार दिया है, इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी में छोटी मोटी टेंशन्स तो लगी रहती हैं लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट जो होता है वो गुरुजी से जुड़ने के बाद मिला है संगत जी। हाँ जी संगत जी, मैंने देखो हमेशा से लाइफ में एक अंदर ही अंदर एक डर को महसूस किया कि कहीं कोई बड़ी मिस हैपनिंग ना हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन आगे चल के मेरी लाइफ में कोई बड़ी मिस हैपनिंग ना हो। और वो मिस हैपनिंग का डर हमेशा से मेरे दिमाग में इस रूप में रहता है कि रहता था संगत जी कि ये मिस हैपनिंग में मैं अपने किसी फैमिली मेंबर को लूज़ ना करूँ, कुछ ऐसा ना हो कि मैं अपनी लाइफ को आगे जी ना सकूँ। मैं अपनी लाइफ को डर डर के जीती थी संगत जी, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो मैं यही शेयर करूँगी गुरुजी की कि उन्होंने मेरे को एक पॉजिटिव माइंडसेट दिया है। हर दिन जो एक मन में जो डर बना हुआ रहता था वो ख़त्म है, अब ऐसा लगता है गुरुजी हैं, गुरुजी देखेंगे, जो होना है वो करेंगे, अच्छा होगा वो करेंगे, कुछ बुरा भी होता है वो सपोर्ट करेंगे, वो है, मैं क्यों टेंशन लूँ। तो ये बहुत बड़ा चेंज मैंने अपने आप में देखा है संगत जी। मैं गुरुजी से 2020 में जुड़ी और उसके बाद से मेरी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई है। लेकिन संगत जी आपको तो पता है कि ये हमें हमारे तरफ से हमें लगता है कि हम इस टाइम पे जुड़े गुरुजी से और ऐसे जुड़े, लेकिन गुरुजी हमसे कब से जुड़े हैं ये तो आप सबको पता है, उनकी हमारे साथ जर्नी कब से चल रही है,
कब से हमको ब्लेसिंग देते आए हैं ये तो गुरु जी ही जानते हैं। तो संगत जी, मैं आपके साथ एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। मैं मेरी 2019 में आई वॉज प्रेग्नेंट एंड 2020 जनवरी में आई डिलीवर्ड अ बेबी बॉय। तो व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट, मेरा प्रेगनेंसी जो जर्नी रहा वो बहुत स्मूथ रहा। मैं एक वर्किंग वुमन हूँ तो मैं ऑफिस जाती थी, डेली बेसिस पे सारा काम करती थी, बहुत हेल्दी प्रेगनेंसी चल रही थी। लेकिन प्रेगनेंसी के 7th मंथ के आसपास डॉक्टर ने मेरे को थोड़ा सा प्री टर्म बेबी का रिस्क बताया, तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो गई। तो उन्होंने 8th मंथ से मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट पे डाल दिया अंटिल दी बर्थ। तो मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे थी, मुझे बिल्कुल भी उठना अलाउड नहीं था, खाना पीना सब बेड पे था, सिर्फ वॉशरूम के लिए मैं उठती थी। तो तब मुझे ऐसा लगता था, और तब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी हुई थी, तो तब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पहली बार ज़िंदगी में ऐसे डॉक्टर ने बेड पे लेटने के लिए बोल दिया, ये मेरे साथ क्या हो गया। और हमेशा से मुझे ये लगता था कि डिलीवरी पेन जो होता है, लेबर पेन जो होता है, वो मैं नहीं सह सकती, क्योंकि वही ना संगत जी, जैसे मैंने बताया कि लाइफ में कुछ मिस हैपनिंग ना हो, डर डर के जीना, छोटी सी छोटी चीज़ों पे भी डर लगना, ऐसा मेरा कुछ माइंडसेट था। लेकिन मैंने उस बेड रेस्ट जो मुझे वो जो 2 महीने का टाइम मिला, जब मुझे घर का ऑफिस का काम नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ अपने बारे में सोचना है, तब मैंने डिलीवरी से रिलेटेड यूट्यूब पे बहुत सारी स्टोरीज़ सुनी, डिलीवरी की वीडियोस देखी, क्या होता है, कितना दर्द होता है, क्या एग्जैक्टली नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ों को समझा और अपने माइंड को उतना पॉजिटिव करने की कोशिश की कि नहीं, मुझे नहीं डरना है, मुझे सी सेक्शन की तरफ सोचना भी नहीं है, डॉक्टर को गलती से भी नहीं बोलना है, मुझे अपना नॉर्मल डिलीवरी चाहिए और मुझे अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है। और उस पॉजिटिविटी के लिए मेरे हस्बैंड ने भी मुझे पूरा सपोर्ट दिया था, वो हमेशा से मेरे साथ खड़े रहे और उन्होंने हमेशा पॉजिटिव बातें मेरे साथ करके मेरे माइंड को पॉजिटिव रखा। लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आया संगत जी, तो बस मैं एक नॉर्मल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई जनवरी में, और डॉक्टर ने बोला कि बेटा इमीडिएटली जाके सीधा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, घर भी नहीं जाना है, जो भी सामान की पैकिंग आपने की है आपके फैमिली मेम्बर लेके आएंगे, आप यहाँ से इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुँचो, आप ऑलरेडी लेबर में हो और आपकी आज डिलीवरी होगी। फिर संगत जी, मैं एडमिट हुई एंड आप विश्वास नहीं मानोगे, जो एक टाइम एडमिशन प्रोसेस होने का, जो एडमिशन प्रोसेस आपको पता होगा हॉस्पिटल में करते हैं, वो जो प्रोसेस कंप्लीट होने में ही 1 घंटा लग जाता है, 45 मिनट्स to 1 आवर, वो प्रोसेस होते होते ही डॉक्टर ने बोला कि इसको डिलीवरी के लिए रेडी करो, शी इज़ रेडी टू डिलीवर अ बेबी। एंड विद इन 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में मेरा डिलीवरी हो गया, नॉर्मल डिलीवरी, और मुझे पेन का कोई एहसास नहीं। जब मुझे थोड़े थोड़े पेन आ रहे थे हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद, तभी मैंने अपने माइंड को ऐसे रखा था कि अरे ये तो कुछ नहीं है, अभी तो और पेन आएंगे, अभी तो और पेन आएंगे, मैं बस ये सोच रही हूँ और उस मोमेंट का वेट कर रही हूँ। बट आई वॉज रेडी टू डिलीवर एंड आई डिलीवर्ड अ बेबी बॉय, अ हेल्दी बेबी बॉय, नॉर्मल डिलीवरी, जहाँ पेन का कोई एहसास नहीं, और बस जैसे मैंने दुनिया जीत ली हो, मैंने जंग जीत ली हो। उस मोमेंट पे ही जब ये हुआ प्रोसेस कंप्लीट, तभी मुझे ऐसा लगा कि मैं कितना डर रही थी, ये सीधा सीधा गॉड ब्लेसिंग है कि उन्होंने मुझे ऐसे हाथों में संभाला, और जो एक नेचुरल पेन जो होना ही है मुझे वो नहीं महसूस होने दिया, तो एक्सट्रीम लेवल की तो मैं बात ही क्या करूं। उसके बाद मैं ये मिराकल आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूं संगत जी, क्योंकि 2020 जनवरी में आई डिलीवर्ड अ बेबी बॉय,
और सेम ईयर अक्टूबर में मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ अपनी मम्मी के थ्रू। मैं उनसे उनके बारे में जानना शुरू किया और धीरे धीरे फिर मैंने यूट्यूब में गुरुजी के बारे में थोड़ा थोड़ा सुनना शुरू किया और फिर मैं उनके साथ कनेक्ट हो गई। लेकिन जब मैं उनके साथ कनेक्ट हुई सेम ईयर में अक्टूबर मंथ में, तो उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जो वो डिलीवरी प्रोसेस था जहाँ मुझे कुछ सहना ही नहीं पड़ा, ये सीधा सीधा गॉड ब्लेसिंग ही थी। और ये कॉन्फर्मेशन मुझे गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हुई, क्योंकि वही संगत जी, जैसे मैंने पहले कहा कि हमें लगता है कि मैं अक्टूबर 2020 में जुड़ी उनके साथ, पर उन्होंने हमारा हाथ कब से थामा हुआ है हमें नहीं पता। कितने मिराकल्स हमारी ज़िंदगी में हुए, कितनी चोटों से बचाया होगा, लेकिन हमको, हमें लगता है ठीक है गॉड ब्लेसिंग है हमको दी है, बट वो जो एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है, एक अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं नहीं ये तो सीधा सीधा गुरु जी का ही कमाल है, मेरे शिव जी का कमाल है, वो रियलाइजेशन मुझे उनके साथ जुड़ने के बाद हुआ। और वो टिल मोमेंट मेरे अंदर ये चीज़ रहती है, कभी भी मेरे कलीग्स में कोई भी प्रेग्नेंट है, किसी के साथ भी कोई भी अगर मेरी डिलीवरी स्टोरी सुनता है कि आपका क्या प्रोसेस था, आपको कितना पेन हुआ, क्या मुझे भी उतना पेन होगा, तो बस सीधा मुझे गुरुजी ब्लेसिंग्स याद आती हैं। और मैं उनको यही बोलती हूँ कि मेरे साथ मिरेकल हुआ है, मेरे साथ मेरे गुरुजी ने हाथ पकड़ा हुआ था और इतना सपोर्ट दिया कि आप ये कह लो कि मेरे माइंड को इतना पॉजिटिव कर दिया कि अगर मुझे पेन हुआ भी तो वो पेन मुझे पेन लगा ही नहीं। और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अभी तो और होगा, अभी और होगा, लेकिन नहीं, आई कंप्लीटेड द प्रोसेस वेरी वेल एंड वेरी स्मूथ प्रोसेस। तो वो बहुत बड़ा चमत्कार है जो गुरुजी ने मुझे दिया, गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। संगत जी, ये जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ आज की डेट में, मैं अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड हूँ पिछले 3 दिन से, ऑल्दो मुझे आज डिस्चार्ज मिल जाएगा। और जो मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुई हूँ वो मैं अपने सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए हुई हूँ, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस कुछ आई है, लेकिन अभी पूरा 9 मंथ जर्नी बचा हुआ है ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। बट मुझे गुरुजी ने अंदर से एक विश्वास दिया हुआ है कि बेटा थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको सफ़र करना होगा, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ये मेरा पूरा पूरा उनके ऊपर विश्वास है। और संगत जी, ये जो मैं इस बार जो प्रेग्नेंट हुई हूँ, ये भी गुरुजी ने मुझे पहले ही मैसेज दे दिया था, क्योंकि जिस मंथ में मैंने कंसीव किया, अभी अराउंड 2 मंथ्स हुए हैं मुझे, और जब मैंने कंसीव किया तो मुझे मेरी बॉडी ने सिम्टम्स देने शुरू किए थे कि आई थिंक आई हैव कंसीव्ड, आई एम प्रेग्नेंट, बट वो कॉन्फर्मेशन नहीं मिला था। लेकिन जिस दिन वो कॉन्फर्मेशन मुझे मिला है मेडिकली, उससे एक दिन पहले फेसबुक पे मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे घर लक्ष्मी आएगी। वो एक अंदर से, वो जैसे ही मैसेज पढ़ा, क्योंकि आपको भी पता है संगत जी, आप जब फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, आप गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं गुरुजी के, तरह तरह के मैसेजेस आते हैं। आपको किसी मैसेज पे लगता है कि आपके लिए है, किसी पे लगता है नहीं आपके लिए नहीं है, किसी और संगत के लिए है, लेकिन बहुत प्यारा मैसेज है। लेकिन जब वो मैसेज मैंने पढ़ा तो मुझे अंदर से भाव आया कि ये मैसेज गुरुजी ने मुझे ही दिया है, ये मेरे लिए ही दिया है। मैंने वो रात में मैसेज देखा, अगले दिन मॉर्निंग में मुझे कॉन्फर्मेशन मिला कि आई एम प्रेग्नेंट। और मैं कैसे बताऊँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि तेरे घर लक्ष्मी आएगी, तो शायद मुझे बेटी होगी, और मैं यही चाहती थी कि मुझे बेटी हो। तो आई एम वेरी पॉजिटिव इन माई लाइफ, एंड ये मेरा सत्संग था प्रेगनेंसी से रिलेटेड। हो सकता है इसका ये सत्संग बहुत सारे संगत को कोई ना कोई मैसेज दे, एंड और भी बहुत सत्संग है दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन शायद गुरुजी चाहते थे कि मैं सिर्फ अपना प्रेगनेंसी से रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस, अपनी ब्लेसिंग्स पहले सत्संग के तौर पे आप सबके साथ शेयर करूं। मैं कर रही हूं, और
बहुत ही रैंडमली मैंने फ़ोन उठा के ये सत्संग शेयर किया है संगत जी। मतलब मैंने जैसे बताया, मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी और देन सडनली आई रियलाइज्ड, और मैं सत्संग सुनते सुनते ब्रेकफास्ट कर रही थी, देन आई थॉट कि आपके पास टाइम नहीं होता है, आप ऑफिस वर्क में हो, आप घर में देख रहे हो, आप अपने बच्चे को देख रहे हो, आपके पास, यू आर सराउंडेड विथ फुल ऑफ वर्क एंड साउंड, आपको वो एक पीसफुल माहौल नहीं मिल पाता है जहाँ पे आप बैठ के वो सत्संग शेयर कर सको, या फिर आपको वो टाइम मिले कि अच्छा दिस इज़ द टाइम यू हैव टू शेयर योर सत्संग। बट वो रियलाइजेशन कभी नहीं आई। अभी अचानक से संगत जी वो सत्संग सुनते सुनते गुरुजी ने थॉट डाला, 3 दिन से एडमिट है, अकेली है, कुछ काम नहीं करना है, ये काम कर ले, सत्संग शेयर कर ले। तो गुरुजी ने बस मुझे ये थॉट दिया है, एक झटका दिया, ऐसा लग रहा है कि सर पे एक टपकी मारी है कि जल्दी ये काम कर ले। तो मैं संगत जी अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ और अब मैं यहीं विराम देना चाहूँगी। नेक्स्ट टाइम संगत जी, जब गुरुजी जब भी आदेश देंगे, जब भी मेरी हिम्मत जोड़ेंगे, मेरे अंदर थॉट लाएंगे, तो मैं अपना संगत जी सत्संग शेयर करूँगी। कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ये मेरा पहला सत्संग था। बोलते बोलते लगातार सांस भी फूल रही है। सो थैंक यू गुरुजी महाराज अपने साथ जोड़ने के लिए, हर दिन को ब्लेसिंग्स के रूप में कन्वर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी, जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी महाराज, सतनाम वाहे गुरु, गुरुजी सतनाम वाहे गुरु, जय गुरुजी। मैं बस लास्ट में एक मंत्र जाप करूँगी, संगत जी आप भी मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी महाराज जी, जय गुरुजी।